हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई, जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे जो काउंट का फार्मूला होता है, काउंट ऑल, काउंट इफ, काउंट काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ यस। आज काउंट के इस चैप्टर में, एक्सेल के इस चैप्टर में आज काउंट के सारे ऑप्शंस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कमांड देता हूँ इक्वल काउंट, इक्वल काउंट करा के वैल्यू वन। मैं टोटल सैलरी से इसको सेलेक्ट कर रहा हूं और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप देखेंगे कि यहां पर जो टोटल काउंट है वो पांच कॉलम को इसने क्या किया है, काउंट किया हुआ है, और उन्हीं कॉलम को काउंट किया हुआ है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आपको नंबर्स काउंट करने होते हैं तो काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, और अदरवाइज इक्वल काउंट ए, इक्वल काउंट ए, टैब्स से मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया और फिर से मैंने इसको रेंज दे दिया और ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, जो काउंट ए है, टोटल 12 इसने नंबर्स काउंट किए। तो जब पहले पांच है, पांच वाले को मैं करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5। उसके आगे सारे क्या हैं, टेक्स्ट हैं। और इसने सिर्फ और सिर्फ जो काउंट का फार्मूला है, इसने सिर्फ नंबर्स को ही काउंट किया हुआ है, और जो काउंट ए है टोटल इसने क्या किया हुआ है, नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को काउंट किया हुआ। मैं एक बार फिर से गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देर आर 12 कॉलम्स इन दिस एरिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैंने एक डेटा शीट यहाँ पर बनाया हुआ है, मुझे यहाँ स्टूडेंट्स मार्कशीट डेटा, इसमें मुझे पैरामीटर में जो मेल फीमेल मैंने दो ऑप्शन दिया हुआ है। जो पहला पैरामीटर है वो अबव 60% में कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, दूसरे में कितने मेल पास, कितने पास हैं, कितने फेल हैं, और तीसरे में कितने टोटल कितने लड़के लड़कियां पास हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल काउंट इफ यस, इक्वल काउंट इफ यस, इक्वल काउंट इफ यस। और उसके बाद मेरा डेटा कहाँ से कहाँ तक है, मेरा डेटा कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं देखूंगा कि मेरा डेटा कहाँ से कहाँ तक है। तो B25 से लेकर के B39 तक, B20 शिफ्ट डाउन एरो, और फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद पैरामीटर क्या है, मैंने कहा पैरामीटर मेरा यह है B42 या B25 को कर देता हूं मैं, सॉरी मैं इसको यहां पर रेफरेंस दे देता हूं B24 को, कॉमा, और फिर उसके बाद जो मेरा टोटल एरिया है, जो मेरा टोटल एरिया है वो देखूंगा K25 से K39, परसेंट ऑफ मार्क्स के K25 से K35, मैंने ब्रेक 39, और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया और इसको पैरामीटर दे दिया, ब्रेकेट इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ग्रेटर देन इक्वल 60, ग्रेटर देन इक्वल 60, और इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रेकेट क्लोज कर दिया और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जीरो आया हुआ है, जीरो इसलिए आया हुआ कि यहाँ पर यह रेफरेंस बता रहा है मुझे यहाँ पर लिखना है मेल, मुझे यहाँ पर लिखना है MALE, मेल लिख दिया मैंने। तो जो यहाँ पर जो डेटा है, अगर लड़कों का डेटा सिर्फ और सिर्फ चेक किया जाए तो एक ही लड़का ऐसा है जिसको 60% नंबर या 60% से ऊपर का मार्क्स मिला हुआ है। दूसरा फिर से हम चेक करते हैं, मैं इसी को कॉपी कर दूं या मैं दोबारा से फिर से लिखते जाऊं, इक्वल काउंट इफ यस, काउंट इफ यस, और ब्रेकेट ओपन, क्राइटेरिया मेरा है B25 से लेकर के B39 तक, और फिर उसके बाद मैं यहां से अभी बदल दूंगा इसको क्योंकि मेल को ही वो उधर से चूज कर रहा है। फिर क्राइटेरिया रेंज मैंने चूज किया और यहाँ से
फिर कॉमा कर दिया, फिर ग्रेटर देन, डबल इंटरेट कॉमा ओपन, ग्रेटर देन इक्वल 60, ग्रेटर देन इक्वल 60, डबल इंटरेट कॉमा क्लोज, और उसके बाद में कॉमा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और उसके बाद एंटर कर दिया मैंने। तो यहाँ पर जो फीमेल है 1 दिखा रहा है, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ या फिर ई एम ए एल ई फीमेल, जो फीमेल है, सॉरी मैं इसको रेंज कोई दूसरा दूंगा। मैंने यहाँ पर इसका क्राइटेरिया यहाँ पर C43 दे दिया, C43 यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो 2 लड़कियाँ जो 60 से ऊपर नंबर पाई हुई हैं और 1 लड़का है जो कि 60 से ऊपर नंबर पाया हुआ है। अब देखते हैं कि कितने बच्चे, कितने लड़के और कितने लड़कियाँ फेल हैं। मैं फिर से इक्वल CoUnt इक्वल काउंट इफ यस क्राइटेरिया रेंज और उसके बाद क्राइटेरिया मैं मेल दे देता हूँ, और फिर उसके बाद फेल या पास देखते हैं, कमा डबल इंटरेट कमा ओपन, डबल इंटरेट कमा ओपन मैंने कर दिया, और फिर उसके बाद डबल इंटरेट कमा ओपन करने के बाद मैं इसको देखूंगा। मैंने इसको रेंज दे दिया और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके मैं देखूंगा कि कौन सा पास है कौन सा फेल है। PASS पास, और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। ये बताएगा जो 4 लड़के हैं वो पास हैं और फेल। मैं इसी को सीधा कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्ट कंट्रोल वी कर देता हूँ। और जो फीमेल है वो क्या है, 3 फीमेल पास हैं 4 मेल पास हैं। मैं यहाँ पर इसका क्राइटेरिया देखता हूँ कि क्राइटेरिया कितना दिया है, G43, बहुत अच्छे। और आप यहाँ पर जो पास फेल है उसका पैरामीटर देखेंगे नेक्स्ट में। सॉरी यहाँ पर मुझे फेल लिखना था, फेल कितने बच्चे हैं और फीमेल कितने फेल हैं। जो यहाँ पर फेल है 1 मेल और 1 फीमेल फेल है। और उसके बाद आपको बताऊंगा फार्मूला कैसे कॉपी किया जाता है। कंट्रोल सी कर लिया और उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया हमने, यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं आया। इक्वल CoUnt काउंट इफ यस और काउंट इफ यस क्राइटेरिया क्या है इसका, मेल फीमेल मैं सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज मेल, और फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा पास है बच्चा कौन सा फेल है, और यहाँ से कॉमा ब्रैकेट कॉमा ओपन या AIL फेल कितने बच्चे हैं ये बताएगा। अभी 1 बच्चा फेल है और इक्वल काउंट इफ यस क्राइटेरिया रेंज फिर उसके बाद क्राइटेरिया, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद दे दिया मैंने इसको कि फेल कितने बच्चे हैं या AIL फेल, ब्रैकेट डबल इंटर कमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया हमने। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो 1 बच्चा है जो मेल है वो 1 मेल फेल है। सेम ऐसे सारे का रिजल्ट लगभग सेम ही आया है। जो फीमेल है उसका 2 का परसेंट 60 से ऊपर है, दोनों में 1-1 पास हैं और 1-1 फेल हैं, और उसके बाद पास विद ग्रेड हैं। तो अभी आपने क्या सीखा, और मैं काउंट ब्लैंक बता रहा हूँ यहाँ पर, इक्वल काउंट ब्लैंक इक्वल, मैं अपने डेटा में चेक करूँगा कि कितने ऐसे सेल्स हैं जितने काउंट हैं। मैं एक एरिया चूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर,
और ये बता रहा कि काउंट ब्लैंक है। अगर आपको काउंट ब्लैंक देखना है कि कितने काउंट्स ब्लैंक, सेलेक्ट करो कंट्रोल जी, स्पेशल पे जाओ और ब्लैंक्स पे चले जाइए आप डायरेक्ट। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बता रखा है, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर तीन सेल्स हैं वो खाली हैं, तो ये हुआ हमारा काउंट ब्लैंक। फिर उसके बाद मुझे ये चेक करना है इसमें से कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि नेक्स्ट आप देखेंगे कि टोटल जो मेरा डेटा है इसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो मैंने इक्वल काउंट इफ रेंज मेरा क्या है, डेटा मेरा रेंज ये है, और उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, मैं डबल इंटरेस्ट कम ओपन किया डबल इंटरेस्ट कम क्लोज ब्रेकेट क्लोज। अब देखेंगे मेल कितने हैं, 7 हैं, और फीमेल में चेक करूंगा इक्वल काउंट इफ। उसके बाद फिर से मैंने क्राइटेरिया रेंज दिया और कॉमा लगाया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्राइटेरिया को फिर से मैंने चेक किया और ब्रैकेट क्लोज डबल इंटर कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर कर दिया। आप देखेंगे कि जो मेरा आंसर आ रहा है इसमें मेल के जो स्टूडेंट्स हैं वो 7 स्टूडेंट्स हैं और जो फीमेल के स्टूडेंट्स हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन हमारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।